नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों बता दें, बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती आ गई है और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। जी हां दोस्तों, इंडिया पोस्ट ने 38,926 ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का जो है विज्ञापन जारी कर दिया है और इसके आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, फॉर्म ये 2 मई से लेकर 5 जून 2022 तक चलेगा। फीस की बात करें तो फीस जो है 100 रुपए मात्र है। उम्र 18 से 40 साल है, जो कि लास्ट डेट यानी कि 5 जून से कैलकुलेट होगी, एज लिमिट की हो गया। एलिजिबिलिटी क्लास 10 यानी कि हाई स्कूल मांगा है। अलग अलग जो है स्टेट वाइज जो है भर्ती की जानकारी दी गई है। तो आपको पहले बता देते हैं कि ये फॉर्म आपको कहां पर मिलेगा, फिर सीधा आपको फॉर्म भरना दिखाएंगे। दोस्तों ये फॉर्म आपको मिलेगा rozgarrizult.com पे, ट्रस्टेबल एक पुरानी वेबसाइट rozgarrizult.com जहां पे ये फॉर्म आपको मिलेगा। साथ ही साथ ये फॉर्म आपको मिलेगा sarkaririzult.com पे। गूगल पे जब भी सरकारी रिजल्ट लिखिए, lastme.com जरूर चेक कीजिए। तो हम सीधा आ जाते हैं सरकारी रिजल्ट वाले पेज पर। बता दें 2 मई को ये फॉर्म जो आया है। 38,926 पोस्ट है, फीस 100 रुपए है। SC ST PH की कोई भी फीस नहीं है, किसी भी महिला अभ्यर्थी की कोई भी फीस नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी जानकारी दी हुई है। कुल 38,926 पोस्ट और जो स्टेट वाइज डिटेल्स है वो भी यहाँ पे बहुत जल्द जो है अपडेट हो जाएगा। तो सीधा हम क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन पे। तो जैसे हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म खुल चुका है। तो सबसे पहले आपका मांग रहा है मोबाइल नंबर पे, मोबाइल पे वैलिडेट करना है, ईमेल आईडी डालना है और ईमेल आईडी पे भी वैलिडेट करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, नेक्स्ट अपना पिता का नाम डाल देता हूँ। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अपनी जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो है आपको डालेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी जो है जन्मतिथि जो है डाल देता हूँ। जन्मतिथि डालने में यहाँ पे आपको अपना जेंडर डालना है, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी डालनी है, जनरल है, EWS है, जो भी आपकी कैटेगरी है डालना है। उसके बाद पूछा यहाँ पे आप किस स्टेट से जो है अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं जो यूपी से अप्लाई कर रहा हूँ। बाकी आप रीजन वाइज देख सकते हैं वैकेंसी, जिसकी जानकारी आपको sarkaririzult.com पर मिल जाएगी। यहाँ पे पूछा है क्लास 10th आपने जो है कब पास आउट किया है, उसको डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है उस कैप्चा को आपको एज इट इज डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ सबमिट करने जा रहे हैं, लेकिन बता दें सबमिट करने से पहले आपको आपको अपना मोबाइल और ईमेल आईडी को जो है वेरीफाई करना जरूरी है। बता दें मोबाइल नंबर डालने के बाद जब आप उसको वैलिडेट करेंगे तो मोबाइल पे एक OTP, इसी तरह ईमेल पे एक OTP आएगा। इन केस अगर आपका सबमिट करने के बाद और आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों हमारा सब कुछ आ चुका है। यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है उस कैप्चा को हम डालते हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़े आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको इस पे ओके करना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे कुछ जानकारी आपकी पहले से आ चुकी है। आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर देना है, ये ऑप्शनल है, आप देना चाहे तो दे, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पूछा है डिसेबिलिटी यानी कोई विकलांगता वगैरह है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे पूछा आपका लैंग्वेज यानी कि क्लास 12th में 10th में आपने कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ी थी। तो मेरा हिंदी था, इंग्लिश था और मैं यहाँ पे और देख लेता हूँ कोई लैंग्वेज तो नहीं, हिंदी और इंग्लिश ही था। अगर आपको इंग्लिश हो तो क्लिक कीजिएगा, नहीं तो आप उसको जो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे कहना ओके करना है, जैसे ओके करेंगे यहाँ पे चढ़ जाएगा। यहाँ पे पूछा कि आप इम्प्लाइड है, क्या आपके अनएम्प्लॉयड होंगे तो आपको NOC की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको फोटो लगाना है। बता दें जो फोटो का साइज है वो 200 से 230 पिक्सल होना चाहिए, जो इन्होंने प्रेफर्ड दे रखा है। अगर आपको साइजिंग सेट करने में दिक्कत आए तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको rozgarrizult.com खोलना है, यहाँ पे फोटो रिसाइज के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। देख सकते हैं मैंने एक सैंपल फोटो अपलोड कर दी है। यहाँ पे जैसे साइज मांगा है 200 × 230, आपको इस तरीके से सिंपली करना है और रिसाइज करके इसको डाउनलोड करके इसको आपको जो है लगा देना है। जो जैसे मैंने डाउनलोड किया ये डाउनलोड हो जाएगा। फोटो सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एक कैप्चा आ रहा है, उस कैप्चा को आपको सिंपली डाल देना है। वैसे फोटो आपकी सिंपली लग जाएगी, आप चाहे तो यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकते हैं अगर आपको प्रीव्यू सब कुछ चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट का बटन दिखाई देगा, देख सकते हैं नीचे, और प्रीव्यू भी आप उसको चेक कर सकते हैं। मेरा सब कुछ सही है, मैंने प्रीव्यू को चेक कर लिया, मैं इसको सबमिट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट करने के तुरंत बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पे समय और तारीख भी आ जाएगी, नीचे आपका अन्य जानकारी आ जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको उसको जो है आप इसका पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, अगर आपका प्रिंटर हो तो आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब हम इसको चलते हैं पार्ट 2 पे। दोस्तों साथ ही साथ बता दें इस प्रिंट आउट पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दे रहा है कि आपने जो 10th पे जो लैंग्वेज जैसे हमने डाली तो हम किस किस स्टेट के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे देखिए स्टेट अपने आप जो है आ रहा है। और साथ ही साथ बता दें इसमें 100 रुपए का फीस पेमेंट करना है। तो फीस पेमेंट के लिए हम वापस चलते हैं sarkaririzult.com पे। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है पे योर एग्जामिनेशन फीस, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज खुल रहा, हो सकता है थोड़ा सर्वर बिजी कर एक आध दो मिनट डिले हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने पेमेंट वाले ऑप्शन पे। पेमेंट वाले ऑप्शन पे जैसे आप बढ़ेंगे यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर वही है जो भी आपको इससे पहले दिखाई दिया था। तो चलिए मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है, 2 मिनट हम वेट करते हैं।
मुश्किल से कुछ सेकंड वेट करने के बाद ही जो है हमारे यहाँ पे मोबाइल नंबर, नाम, कैटेगरी और अमाउंट यहाँ पे दिखने लगा। साथ ही साथ इसमें दिख रहा है अगर आप इसमें नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे तो 10 रुपये आपका पर ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा लगेगा, क्रेडिट कार्ड पे आपका जो है 1% लगेगा, डेबिट कार्ड से कोई पैसा नहीं एक्स्ट्रा लगेगा। तो चलिए मेक पेमेंट करते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं पेमेंट ऑप्शन खुल गया है, आप इसका पेमेंट किसी भी क्रेडिट कार्ड से, किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, क्यूआर कोड से, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका पेमेंट जो अपने यूपीआई से करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों जैसे हमने पेमेंट किया आप देख सकते हैं पेमेंट के तुरंत बाद यहाँ पे थैंक यू का मैसेज आ चुका है तुरंत ही आपके मोबाइल पे भी। लेकिन साथ ही साथ बता दें अभी आपका फॉर्म जो है कम्प्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे पेमेंट आपका कम्प्लीट हो चुका है। पेमेंट में आपका फी, आईडी, नाम, सारी चीज़ें आ चुकी है, यहाँ पे आप इसका प्रिंट ले सकते हैं क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है जब ज्वाइनिंग वगैरह हो तो आपको इसकी जरूरत पड़े, तो आप इसको जो है सेव जरूर कर लीजिएगा। लेकिन फॉर्म को कम्प्लीट करने के लिए हम वापस चलते हैं sarkarizal.com पर, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं लॉग इन पे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन किया, फिर पे एग्जामिनेशन फीस की, अब हम इसको लॉग इन करते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आप पूछेगा कि आपने किस स्टेट से अप्लाई किया है और यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना और सबमिट करना है। तो चलिए डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम इसको जो है डाल के आगे बढ़े, तुरंत ही जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। जी हाँ दोस्तों, ओटीपी बहुत आता है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो ओटीपी के लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने पास ही रखना है क्योंकि अगर आप इसमें फोन से पूछेंगे तब तक आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा और आपका जो है फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने ओटीपी डाल दिया है, कैप्चा डाल दिया है, नेक्स्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमने आगे बढ़ा आप देख सकते हैं नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी जानकारी हमारी यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे पूछा है आपका एड्रेस, तो आपको जो आपका जो एड्रेस है वो आपको अपना एड्रेस डाल देना है। मैं अपना यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ। दोनों एड्रेस अलग अलग भी डाल सकते हैं और आप सेम चाहे तो सेम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे स्टेट डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, मोहल्ला डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, पिन कोड डाल दिया। तो यहाँ पे डालने के बाद हमारा दोनों एड्रेस सेम है तो हम सिंपली यहाँ पे टिक कर देते हैं। जैसे थोड़ा नीचे चलेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका बोर्ड का नाम पूछ रहा है और यहाँ पे बोर्ड में हमारा जो यूपी बोर्ड है तो हम बोर्ड ऑफ यूपी देख सकते हैं, इलाहाबाद दिया हुआ है, यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे रिजल्ट का पूछा है मार्क्स, तो हम यहाँ पे मार्क्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो आपको देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का डालना है, जैसे आपको इंग्लिश में डालना है, इंग्लिश में आपको जो है कितना नंबर मिला है, तो मुझे इंग्लिश में जो है 45 नंबर मिला था तो मैंने यहाँ 45 डाल दिया। अलग अलग सब्जेक्ट का जो अलग अलग डालना है तो मैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का जो है चयन कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है अपने नंबर डाल देने हैं, आपको कितने कितने नंबर मिले हैं सब में, तो सारे नंबर आपको डालने के साथ ही जो है यहाँ पे आपका जो है आपको आउट ऑफ जो है डाल देना है। यहाँ पे आपका टोटल अगर सीजीपीए स्कोर है तो आपको डालना, अगर नॉट अलॉटेड है तो आप छोड़ सकते हैं, तो लीव फील्ड ब्लैंक। तो अगर आपका नहीं है सीजीपीए स्कोर तो आप सिंपली ब्लैंक कीजिए, सेव एंड कंटिन्यू करना और आगे बढ़ना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे पूछ रहा है आप उत्तर प्रदेश में किस डिवीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो बता दो उत्तर प्रदेश में सभी डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग वैकेंसी है। इसकी जानकारी आपको जो है sarkarizal.com और rozgarrizal.com पर मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे आगरा कर दिया क्योंकि मैं आगरा का रहने वाला हूँ। आगरा करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा प्रेफरेंस खुल जाएगा, देख सकते हैं आपका जो जनपद हो आप उस जनपद पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने जो है उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद लिया है, तो मैं यहाँ पे जो है आपका जो भी पोस्ट ऑफिस का क्रम जो है आपको यहाँ पे डिसाइड करना है, 1, 2, 3, 4 करके जो भी क्रम है आप जो उसमें जो है यहाँ पे पोस्ट का प्रेफरेंस जो है सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ, आप जो है ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे आप ऊपर इसको कर सकते हैं, 8 को इसको कर सकते हैं, 9 को इसको कर सकते हैं और 10 को इसको कर सकते हैं। इस तरह आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारी चीजें जो है डाल दी। आप यहाँ पे डाउनलोड एलिजिबिलिटी वैकेंसी सिलेक्टेड डिवीजन भी जो है यहाँ पे कर सकते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप जो सिलेक्ट हो जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, तो सही बात है हम होम डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन दे रहा है, डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पे सेव एंड प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन सेव एंड प्रिंट करने से पहले आपको उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे वैकेंसी एलिजिबिलिटी देखनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं और आपको देखना है कि किस पोस्ट ऑफिस में कितनी सीट है तो इसकी जानकारी आपको इनके जो वेबसाइट के होम पेज पे, साथ ही साथ आपको sarkarizal.com और rozgarrizal.com पे मिल जाएगी। आपको बता देता हूँ ये चीज आप कैसे देख सकते हैं। आपको sarkarizal.com खोलना है, यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, जब तक हमारी ऑफिशियल वेबसाइट खुली है तब तक हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे सेव एंड प्रिंट करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली का आपको मैसेज दिख जाएगा, आपको सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको पूरा फॉर्म का प्रिंट आउट दिख जाएगा, आपने जो क्रम डाला है वो क्रम दिख जाएगा, आपने किस क्रम में ऐड किया है वो भी दिख जाएगा, आपने किस डिवीजन को सिलेक्ट किया है, किस डिवीजन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा है वो भी आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा स्टेप कंप्लीट हुआ। आपने देखा हमने आपको रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और फाइनल सबमिट तीनों ही करके दिखाया। अब हमारी ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट जब खोलेंगे जैसे तो यहाँ पे आपको पूछेगा आपने किस स्टेट के लिए आपको अप्लाई किया। तो जैसे मैंने आपको देखा था कि मैंने यूपी के लिए अप्लाई किया है तो मैं यूपी पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि जो जिस
जिले में डाल रहे हैं उस जिले में कितनी सीट होती है। यहाँ यूपी में डालने के बाद आपको वहां पे आपको जो भी आपका जो जनपद है यानी डिस्ट्रिक्ट है वो दिख जाएगा। इसी तरह अन्य किसी आप जनपद से डाले जैसे बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तो वहां पे भी आपको जनपद पे क्लिक करना है। स्टेट पे, स्टेट पे क्लिक करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट दिख जाएगी। डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जैसे देखिए मैंने आगरा डाला था, यहाँ पे देखिए सारे उत्तर प्रदेश में जहां जहां सीट है सब जो है खुल गया। जैसे आगरा पे आप क्लिक करेंगे तो ठीक उसी के नीचे देखेंगे यहाँ पे सीटें दिखाई दे रहा है, जैसे जनरल की 12 है, ओबीसी की 5 है। उसमें और डिटेल चाहिए तो आपको उस पर फिर से एक बार क्लिक करना पड़ेगा तो आप उसका पूरा ब्रीफ जानकारी मिल जाएगी किस जो है जनपद में किस हिसाब से सीट है। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।